वेलकम बैक। और अब बात करते हैं दिल्ली में हुए लेजेंड ऑफ इंडिया लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड सेरेमनी की। ये अवार्ड दिया गया नोटेड पर्सनालिटी हबीब तनवीर को। पद्मश्री विनर हबीब तनवीर ने इंडियन थिएटर को प्रमोट करने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। दिल्ली के श्रीराम सेंटर में आयोजित इस फंक्शन में मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने लेजेंड्स ऑफ इंडिया लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से फेमस थिएटर पर्सनालिटी हबीब तनवीर को ऑनर किया। कॉमेडी और ट्रेडिशनल फोक थिएटर में तनवीर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। कला को भी इससे बहुत प्रोत्साहन मिलता है और हम लोग कुछ कर पाते हैं, अपना आधार कर पाते हैं, उसकी प्रशंसा का सबसे महत्वपूर्ण वो है। लेकिन इस फंक्शन का शो स्टीलर रहा फेमस स्क्रीन राइटर रंजीत कपूर का प्ले अफवाह। ये प्ले इंस्पायर्ड है पुलित्जर अवार्ड विनर नील साइमन की कॉमेडी र्यूमर्स से। अफवाह की कहानी है एक डेप्यूटी मेयर और उनकी बीवी की, जिनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस के दौरान ये सभी कॉमिकल सिचुएशंस खड़ी हो जाती हैं। मुझे ये नहीं पता था कि श्री अम्मा के अम्मा केरला में बीमार हैं। ये टाइम ऐसा है, लोग हाथ से देखना पसंद करते हैं और लोगों का मनोरंजन हो, हमारा यही उद्देश्य था। फिल्म जाने भी दो यारों के स्क्रीन प्ले और डायलॉग से रिकग्निशन में आने वाले रंजीत कपूर ने बैंडिट क्वीन, खाकी और कभी हाँ कभी ना जैसी फिल्मों की स्क्रिप्टिंग भी की है। रेणु जोशी, इंडिया टीवी, दिल्ली।